सो आज का हाउस प्लान देखेंगे दोस्तों। 36 फीट बाय 65 फीट का हमारा आज का नक्शा रहेगा। एचटीबीडीसी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर आप बात करें तो वो रहेगी आपकी 20 लाख 50 हज़ार के आसपास, 20 लाख 50 हज़ार के आसपास। एस्टिमेटेड इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर आप बात करें तो रहेगी आपके पास लगभग 25.5 लाख के आसपास। प्लान की फीचर्स देखेंगे तो ड्यूप्लेक्स हाउस रहेगा दोस्तों। पार्किंग एरिया की अगर बात करें तो दो गाड़ियों की पार्किंग है आपके पास। वरेंडा रहेगा, ड्राइंग रूम है, किचन है, डाइनिंग एरिया है। नंबर ऑफ बेडरूम्स देखेंगे दो रहेंगे, नंबर ऑफ बाथरूम देखेंगे तो दो रहेंगे। प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन के साथ आपके पास रहेगा 2340 फीट का जो है ये स्क्वायर फीट का नक्शा। 260 गज के अंदर हमने आपको 2 BHK हाउस प्लान दिया है विद कार पार्किंग, 2 कार पार्किंग, गार्डन एरिया, यूटिलिटी एरिया। काफी अच्छा नक्शा है तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज हम इसी तरीके की वीडियो जो है वो लेकर आते रहते हैं। अगर आप इसी लाइन से रिलेटेड हैं या आप अपना मकान बनाने वाले हैं तो आपको ये चैनल जो है जरूर ही बेनिफिशियल रहेगा। सो हमारी वीडियोस को देखें, हमने काफी आपको प्लेलिस्ट बनाकर दी हुई है कि जितने प्लॉट साइज का आप अपना प्लॉट देख रहे हैं उस तरीके से आप सेग्रीगेटेड हमारी वीडियोज को जो है देख सकते हैं। सो आइए चलेंगे हमारे प्लान की तरफ। सो गाइस, प्लॉट के डायमेंशन की अगर आप बात करें तो 36 फीट प्लॉट की विड्थ रहेगी एंड 65 फीट प्लॉट की लेंथ रहेगी। प्लॉट एरिया रहेगा 2340 स्क्वायर फीट का, 260 गज का, 260 स्क्वायर यार्ड्स का हमारा प्लॉट साइज है। इसके अंदर जो आपका स्लैब एरिया रहेगा वो रहेगा 1350 स्क्वायर फीट का। फ्रंट साइड से रोड है, बाकी अदर तीनों साइड इधर प्रॉपर्टीज हैं, उस हिसाब से इसकी प्लानिंग की गई है। सो दो एंट्रीज हैं आपके मकान की, एक एंट्री ये है, एक सेकेंड एंट्री है, मतलब दोनों ही साइड से आपको एंट्री दी गई है। कार पार्किंग की व्हीकुलर एंट्री है ये, दोनों ही तरफ आप अपनी गाड़ी जो है वो पार्क कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। सो पहले देखेंगे हम ये राइट साइड वाली जो कि बड़ी एंट्रेंस है आपकी, ये रहेगी 9 फीट बाय 18 फीट की पार्किंग एरिया। यहाँ से आप स्लाइडिंग आपका जो गेट रहेगा आप यहाँ से सीधा एक्सेस करेंगे अपने पार्किंग स्पेस में। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपके पास स्पेस है 8 फीट बाय 14.5 फीट का। सो दोनों ही तरफ आप अपनी गाड़ियाँ जो है आराम से पार्क कर सकते हैं। फ्रंट साइड में 8 फीट का आपका जो है ओपन स्पेस है, ओपन टू स्काई रहेगा फॉर लाइट एंड वेंटिलेशन ऑफ दिस ड्राइंग रूम एरिया। सो बाउंड्री वॉल के साथ में यहाँ आप अपना ग्रीन एरिया रखेंगे, प्लांटेशन वगैरह करेंगे, इसके साथ में ये ओपन स्पेस है, यहाँ आप अपनी सिटिंग वगैरह रख सकते हैं। लेफ्ट साइड से देखेंगे आपके घर की मेन एंट्रेंस है दोस्तों, 6 फीट 6 इंच वाइड ये बरेंडा है। यहाँ से आप अब चलेंगे, ये बरेंडा रहेगा, लेफ्ट साइड में ये प्लांटेशन रहेगी। यहाँ से राइट साइड में देखेंगे तो आपके घर की एंट्रेंस मेन एंट्रेंस रहेगी, सीधी आप ड्राइंग रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। सो आपके घर के अंदर अगर कोई गेस्ट आता है तो उसके लिए आप ये एंट्री यूज कर सकते हैं, सेग्रीगेटेड एंट्री आप रख सकते हैं। ड्राइंग रूम की सीधी एंट्री है आपके पास, 16 फीट बाय 13 फीट 3 इंच की एंट्री रहेगी। यहाँ से आपने सीधा इसको एक्सेस किया इस तरीके से, जैसे ही आप एंट्री करते हैं सामने एल शेप में आप अपना सोफा सेटिंग कर सकते हैं। सामने देखेंगे तो यहाँ आप टीवी पैनलिंग लगा सकते हैं, इधर आपको एल विंडो दी गई है, सीधा आपको व्यू मिलेगा इस घर का मेन गेट का, कि अगर कोई एंट्री करता है इस तरफ से तो आपको एंट्रेंस का व्यू रहे। अगर आप इस कोने में हैं तो आपको इधर से भी व्यू दिया गया है, एक विंडो आपको इधर प्रोवाइड की गई है कि आपको इस गेट का भी आपको व्यू रहे कि कौन आपके घर के अंदर एंट्री कर रहा है। सेकेंड एंट्री देखेंगे तो यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, आपने जैसे ही यहाँ गाड़ी पार्क करी और आप अपने घर के अंदर इस तरफ से भी आ सकते हैं। सो ड्यूअल एंट्री गेट आपके जो है हाउस रहेगा। जैसे ही आप एंट्री करते हैं आप अपने लॉबी स्पेस में एंट्री करेंगे दोस्तों। यहाँ से आप सीधा देखेंगे तो आपके पास ये स्टेयरकेस लॉबी है, यहाँ से आप अब चलेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट आप इस तरीके से भी अपनी स्टेयरकेस को क्लॉकवाइज रन कर सकते हैं। सो इधर से आप अपनी स्टेयरकेस को जो है रन करेंगे, 3 फीट 3 इंच वाइड आप अपनी स्टेयरकेस को रखेंगे, 10 इंच का आप अपना ड्रेड रखेंगे। राइजर की अगर बात करें तो कोशिश करें कि आप 6 इंच का राइजर रखें, अदरवाइज आप मैक्सिमम 7 इंच तक का अपना राइजर रख पाएंगे। बरेंडे के सामने एक विंडो प्रोवाइड की गई है, एक आपको पीछे की तरफ यहाँ से विंडो प्रोवाइड की गई है। सो स्टेयरकेस के अंदर आपकी क्रॉस वेंटिलेशन रहेगी काफ़ी अच्छी, आपको हवा धूप यहाँ पर मिलेगी, आते जाते हुए आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाला है। इधर से आप देखेंगे आपको डाइनिंग एरिया की ये जो लॉबी है इसके अंदर आप अपनी डाइनिंग रख सकते हैं, 17.5 बाय 14 फीट का डाइनिंग स्पेस मिलेगा आपको। आप इस तरीके से 6 सीटर या 8 सीटर अपनी डाइनिंग अकोमोडेट कर सकते हैं। इस वॉल पे आप अपनी क्रॉकरी यूनिट भी लगा सकते हैं इंटीरियर वाइज अगर आप सोचना चाहें तो। लॉबी के सामने आपको किचन दी गई है दोस्तों, 11.5 बाय 8 फीट की किचन है, दोनों तरफ आपको 2-2 फीट की स्लैब मिलेगी, 4 फीट का आपका सर्कुलेशन स्पेस बचेगा। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्लास डोर दिया गया है सो दैट आप यहां से एक्सेस कर पाए पीछे जो ये 4 फीट का ओपन स्पेस है इसके अंदर। आप इसका एज एन यूटिलिटी एरिया भी यूज कर सकते हैं, या अपनी वॉशिंग मशीन या अपना कुछ टेम्परेरी शेड लगाकर इसको आप यूज में लेकर आ सकते हैं स्पेस को। आगे देखेंगे तो आपका कम्प्लीटली प्राइवेट एरिया स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। यहाँ ओपनिंग के थ्रू आप एक्सेस करते हैं अपने पैसेज के अंदर, 8.5 फीट बाय 5 फीट का ये पैसेज है। यहाँ से देखेंगे आपका कॉमन टॉयलेट रहेगा, 8 फीट बाय 5 फीट का कॉमन टॉयलेट है।
ढाई फिट का दरवाजा रहेगा। आप जैसे ही एक्सेस करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 फिट का स्पेस है आपके वॉश बेसिन के लिए, 3 फिट का स्पेस रहेगा आपके WC के लिए, 3 फिट का स्पेस रहेगा आपके बेदिंग एरिया के लिए। लाइटर वेंटिलेशन के लिए पीछे आपके पास 18 इंची बाय 48 इंची का वेंटिलेटर दिया गया है दोस्तों। पैसेज से आप देखेंगे आपके दोनों बेडरूम्स, तो यहाँ से आप एक्सेस कर रहे हैं, दोनों ही बेडरूम के साइज आपको सिमिलर दिए गए हैं, 12 फिट बाय 15 फिट का बेडरूम का साइज है, 3 फिट 3 इंच का दरवाजा रहेगा। जैसे ही आप एक्सेस करते हैं सो इस आपकी वॉल पे आपको बेडिंग दी गई है, सामने वाली वॉल पे टीवी पैनलिंग दी गई है, नीचे इस टॉयलेट वाली दीवार पे आपको अलमीरा दी गई है। बेड के साथ में आप देखेंगे आपको 2 विंडो दी गई हैं, ये हम फिक्स विंडो रखने वाले हैं, आप इसको एज इन बे विंडो भी बना सकते हैं, सेटिंग के लिए भी आप इसको यूज में लेकर आ सकते हैं। दोनों ही बेडरूम में आप देखेंगे तो आपको क्रॉस वेंटिलेशन का ऑप्शन है दोस्तों, सो काफी आपको अच्छा महसूस होने वाला है इस मकान के अंदर अगर आप इस नक्शे को अपने यूज में लेकर आते हैं तो। थर्ड एंड लास्ट बेड आपके सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो आपका ये रहेगा 12 बाय 15 का सेम साइज में बेडरूम विद मिरर लेआउट, सो इस तरीके से बेडिंग करके सामने टीवी पैनलिंग, यानी यहाँ पर आपकी अलमीरा रहेगी, 5 फिट के यहाँ पर आप अपनी अलमीरा दे सकते हैं, ये 2.5 फिट का दरवाजा है, यहाँ से आप एक्सेस करेंगे अपने 7.5 बाय 6.5 फिट के टॉयलेट के अंदर। लेआउट की बात करें तो जैसे ही दरवाजा है दरवाजे के सामने यहाँ आपका बेडिंग एरिया रहेगा, इसके साथ में आपकी WC रहेगी, दरवाजे के सामने यहाँ आपका वॉश बेसिन रहेगा दोस्तों। डाइनिंग एरिया से लॉबी की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ से भी आपको एक एक्सेस दिया गया है, 3 स्टेप्स के बाद आप अपने इस पूरे एक एरिया में आ जाते हैं, 4 फिट वाइड ओपन स्पेस है, ग्रीन स्पेस है, तीनों ही तरफ आपको 4 फिट का ओपन स्पेस दिया गया है। डायमेंशनिंग की अगर आप बात करें तो दोनों ही तरफ हमने आपको डायमेंशन दी गई है, सो दैट अगर आप ये प्लान यूज कर रहे हैं तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो के आप स्क्रीनशॉट लेके इस प्लान को बना सकते हैं, सारी डायमेंशंस हमने आपको दी है, विंडो बताई गई है कितने साइज की है। सो गाइस उम्मीद करते हैं आपको प्लान पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं प्लान आपको कैसा लगा। आपकी अपनी कोई क्वेरी हो इस प्लान से रिलेटेड, कोई कुछ आपको पूछना हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको अपना कोई नक्शा बनवाना है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप हमें बाय मेल या फिर बाय व्हाट्सएप आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, गुड बाय दोस्तों।